नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान की टीम इन दिनों इंटरनेशनल सीरीज के दौरान बहुत गजब की फॉर्म में नजर आ रही है, और सबसे ज्यादा जो गजब की फॉर्म में नजर आ रहा है खिलाड़ी वो है बाबर आजम। इस समय विराट कोहली के साथ उनकी तुलना की जा रही है। तो दोस्तों ऐसी क्या खासियत है बाबर आजम के अंदर, और ऐसा कौन सा बड़ा रिकॉर्ड एक बार फिर से बाबर आजम ने बना दिया, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें बाबर आजम इन दिनों देश विदेश में पूरी तरीके से छाए हुए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बाबर आजम के इस अनोखे रिकॉर्ड से जुड़ी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आप ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मिली जीत के साथ ही बाबर आजम शुरुआती चार टेस्ट जीतने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान बन गए हैं। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैच जीते थे, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उसने दो टेस्ट मुकाबले लगातार जीते। वनडे में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बाबर के पास इस फॉर्म को आगे बढ़ाने का मौका रहेगा। पाकिस्तान को वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त और सितंबर में दो दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान ने इस साल साउथ अफ्रीका को घरेलू सीरीज में टेस्ट और टी20 में मात दी थी। यह छठी बार है जब पाकिस्तान ने छह या उससे अधिक सीरीज जीती है। पाकिस्तान ने साल 2011-12 में लगातार 13 सीरीज और साल 2015-16 में 9 और साल 2001-02 में 8 और साल 1993 से 1994 में 6 और साल 2017-18 तक में 6 सीरीज जीती थी। लेकिन इस समय पाकिस्तान की अगुवाई कर रहे हैं बाबर आजम, जो टीम को अपने नंबर वन के पायदान पर ले जाने के लिए हर जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। और जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी टीम गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी पक्ष में दोनों में ही मजबूत दिखाई दी थी। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।